हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं निधि अग्रवाल, वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मैजिकल चीज़ लेकर आई हूँ, जो कि है सेलेनाइट पेंसिल या फिर सेलेनाइट स्टिक आप बोल सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग स्टिक भी आप इसे बोल सकते हैं। सेलेनाइट के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो जो भी इस क्रिस्टल से जुड़ी हुई बातें हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके ट्रेड्स हैं, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोगों को ये स्टिक कैसे यूज़ करनी है, ये स्टिक किन लोगों के लिए यूज़फुल है, वो मैं आज सब कुछ आपको लोग बताने वाली हूँ। देखिए, जो लोग भी ऐसा फील करते हैं कि उनका ऑरा कुछ ब्लॉक है, या फिर उनके ऑरा में कुछ ब्लैकिशनेस आ गई है, या फिर वो बहुत सारे लोगों के साथ डील करने की वजह से उनका ऑरा बहुत जल्दी से उनको ऐसा फील होता है कि कुछ तो है हमारे ऑरा में कि हम अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, कुछ भारीपन फील होता है, हमेशा बॉडी में पेन हो जाता है कहीं बाहर से आते ही, छोटे बच्चे रोना स्टार्ट कर देते हैं या फिर चिड़चिड़े हो जाते हैं। ये बहुत आम बातें हैं, या जिन लोगों का आपने देखा होगा ऑरा वीक होता है उनके साथ ये बहुत जल्दी होता है। जो हीलर्स होते हैं उनको बहुत ज़रूरत होती है ऑरा क्लीनिंग की, क्योंकि वो बहुत सारी तरीके की नेगेटिविटी के साथ डील करते हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं और एक शांत वातावरण, शांत ऑरा, शांत चित्त चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। तो नेगेटिविटी से जिसको भी फाइट करना हो, जो भी चाहता हो कि हमारा ऑरा एकदम से क्लेंज हो जाए, क्लियर हो जाए, और उसके लिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, उन सभी लोगों के लिए ये स्टिक बहुत ही मैजिकल तरीके से काम करती है। तो अब ये स्टिक काम कैसे करती है वो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप देख रहे कैसी है ये स्टिक, ये सेलेनाइट से बनी हुई स्टिक है, आगे से पॉइंटेड है, और पॉइंटेड इसीलिए है कि ऑरा में जो भी नेगेटिविटी हो उसको ब्रेक कर सके, इसीलिए ये पॉइंट है। और इसको बहुत ही इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है आइए देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एक जगह बैठ जाना है, शांति से इस स्टिक को लेना है, और आपको अपने ऑरा के, ऑरा कैसा होता है, हमारी बॉडी से थोड़ा थोड़ा ऊपर हमारा ऑरा होता है, आपको इसको पहले ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है। उसके बाद अपने सहस्त्रार के ऊपर इसको घुमाने के बाद आपको अपनी पूरी बॉडी के साथ साथ इस स्टिक को पूरा नीचे तक, पैरों तक लाके छोड़ देना है। उसके बाद आपको ऐसे करके अपनी दूसरी साइड, पहले मैंने राइट किया, फिर आप लेफ्ट करेंगे और फिर छोड़ देंगे, और ऐसे करके आप अपनी पूरी बॉडी के ऊपर से इस स्टिक को निकाल देंगे, और इसके बाद आपको अपना ऑरा बहुत ही क्लियर दिखेगा, क्लियर लगेगा, और बहुत लाइट फीलिंग आएगी आपको। कुछ चीज़ें हैं आपको लगेगा कि अरे इतना सिंपली, इतना कैसे हो गया, इतना इतनी आसानी से कैसे हो सकता है। यही तो एक खूबी है सेलेनाइट स्टिक की। सेलेनाइट, जैसे मैंने उस वीडियो में भी बताया है, एक ऐसा क्रिस्टल है जो हमें एंजल्स के साथ कनेक्ट करता है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको खुद क्लेंजिंग की कोई ज़रूरत नहीं, तो ना ही आपको इस स्टिक को कोई क्लेंज करना है, ना ही आपको इसको वॉश करना है। जैसे ही आप इसको वॉश करेंगे ये मेल्ट हो जाएगी धीरे धीरे करके, क्योंकि ये एक सॉल्ट, जो हम सॉल्ट कहते हैं ना, जैसे सॉल्ट कैसे बना हुआ होता है, वैसे ही मटीरियल से ये सेलेनाइट स्टोन बनता है। एक तरीके का सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं इसमें, तो कभी भी हमें इसको वॉश नहीं करना है, ये बात का हमें ध्यान रखना है। ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है, अगर ये गिरी तो ये तुरंत साथ साथ ही टूट जाएगी, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि स्टिक आपके हाथ से गिरे ना। कोई भी छोटे बच्चे हों, सेम तरीके से आपको उनके हेड के ऊपर से इसको घुमा लेना है, और उसके बाद उनकी बॉडी के ऊपर से इसको निकाल देना है। एक तरीके से जैसे हम नेगेटिविटी क्लियर करते हैं ना, वैसा ही काम करती है ये स्टिक। जब आप इसको यूज़ करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना मैजिकल तरीके से इसने अपना काम किया है। और इसको किसी भी एक जगह पे आप रख सकते हैं, अगर आप इसको आपको लगता है कि नहीं हमें इसको फिर भी क्लेंस करना है, जो कि इसको ज़रूरत नहीं है, तो जैसे मैंने पिछली बार अपने वीडियो में बताया था कि इंसेंस स्टिक्स से आप इसको क्लेंस कर सकते हैं, और बहुत ही ईजीली किसी भी तरीके की नेगेटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी आप सभी से ये विनती है कि अगर आप
चैनल को और हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो ज़रूर ज़रूर लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। क्योंकि हम किसी भी एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सारी जानकारी जितनी हो सकती है आपको देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो क्रिस्टल से रिलेटेड हो, वास्तु से रिलेटेड हो, या जैसे अभी हम न्यूमरोलॉजी के भी वीडियोस स्टार्ट करने वाले हैं। जितना हो सकता है हमेशा मैं अपने सब्सक्राइबर्स के भी सारे आंसर, सारे जितने क्वेरीज होती हैं देने की कोशिश करती हूँ। तो आपसे यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनता है। नमस्कार।